पुलिस लाइन में हुआ विश्व लंग्स कैंसर दिवस जागरूकता कार्यक्रम। सीएमओ डॉ नीता कुलश्रेष्ठ ने फीता काट किया इसका शुभारंभ। तारांकन 80% लंग्स कैंसर सिगरेट बीडी हुक्का आदि पीने से होता था। गौरव अग्रवाल फिरोजाबाद रविवार को पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी अशोक कुमार के निर्देशन में वामा सारथी उप्र पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विश्व लंग्स कैंसर दिवस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों संघ सीएमओ डॉ नीता कुलश्रेष्ठ आईएमए से जुड़े डॉ गौरव अग्रवाल डॉ विनोद अग्रवाल की मौजूदगी रही। कार्यक्रम का सीएमओ ने फीता काट कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ गौरव अग्रवाल ने बताया कि लंग्स कैंसर के मुख्य कारण होते हैं स्मोकिंग हुक्का पीना, हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। 80% कैंसर सिगरेट बीड़ी हुक्का आदि पीने से होता है, 20% जिसमें हम और आप सिगरेट नहीं पीते लेकिन हमारे वातावरण में लोग सिगरेट पीते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म कण इंडस्ट्रीज के धुएं तेल पाउडर सहित कई कण जिनके कारण ही संभावना होती है। कैंसर की पहचान कैसे हो इसके लिए बताएं कि एंडोस्कोपी ब्रह्मोस्कोपी सहित कई तरीके बताया। सबसे खास बात यह जो वार्ता इस विषय पर हुई जी, आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया और कौन कौन लोग उपस्थित रहे? आज लंग्स कैंसर दिवस है, इस अवसर पर पुलिस विभाग के द्वारा पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा इस तरह के निर्देश प्राप्त हुए थे कि पुलिस परिवार को और पुलिस जनों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए, जिसमें इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। इसके संदर्भ में सीएमओ मैडम के द्वारा यहाँ पर डॉक्टर पालीवाल और टोबैको डिपार्टमेंट से रिलेटेड सर्विस की और आईएमए के तीन डॉक्टर दो डॉक्टर गौरव और डॉक्टर विनोद अग्रवाल साहब आए हुए थे, इनके द्वारा सुझावों से हमें लाभान्वित किया गया है। निश्चित तौर पे इनके बताए हुए उपायों से सुझावों से हम लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, पुलिस परिजनों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। इसके लिए इन डॉक्टर साहब लोगों का और अपने विभाग के मुखिया का बहुत बहुत मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। कैंसर दिवस पर पुलिस लाइन पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे यहाँ पर आने का उद्देश्य था कि लंग कैंसर के जो मेन कारण होते हैं उनका बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, उन कारणों को रोका कैसे जाए। जैसे कि सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ वो है स्मोकिंग सिगरेट बीड़ी हुक्का पीना, हमें इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर दो, जरूरी है कि स्मोकिंग करने से ही कैंसर 80% केसेज में कैंसर लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है, 20% में पैसिव स्मोकिंग भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब हम और आप सिगरेट नहीं पी रहे लेकिन हमारे वातावरण में लोग सिगरेट पी रहे हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म कण होते हैं, रेडॉन होता है, एस्बेस्टस होता है, टैल्क पाउडर होता है, और इंडस्ट्रीज के धुएँ होते हैं कि जैसे उसके द्वारा होने वाला कैंसर कम प्रतिशत में मिलता है सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर की ज़्यादा। नंबर तो हमने विचार किया कि हम उसका डिटेक्शन कैसे करें, हम उसको कैसे जानें कि कैंसर हो गया है। इसके लिए मैंने कई सारे तरीके बताए, उसमें एक्सरे टेस्ट, मेमोग्राफी स्कैन, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी शामिल है। फिर तीसरे नंबर पर हमने विचार किया कि अगर किसको कैंसर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा। लंग कैंसर के बारे में स्पेशली हमारी बात होगी, उसका सर्जरी मॉडलिटी करते हैं और ये डिपेंड करता है किस स्टेज का कैंसर। और मैंने यहाँ आकर महसूस किया कि आज की जो टॉक हुई, आज की जो वार्ता हुई, ये बहुत सफल वार्ता है और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने वायदा किया है कि वो कभी भी स्मोकिंग नहीं करेंगे, आसपास अपने स्मोकिंग नहीं होने।